परमिशन देते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व सैनिक वीरांगना है, वह विधवाओं के साथ OROP2 में कई अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कोटा इकाई ने क्या क्या मांगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी के सामने रखी। उन्होंने जो डिटेल्स दी है उसके अनुसार वीरांगनाएं पूर्व सैनिक रोड पर उतरे। लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, दिनांक 27 अप्रैल 2023 समय 11 बजे कोटा बूंदी के पूर्व सैनिक वीरांगनाओं ने लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश बिरला जी को वन रैंक वन पेंशन में हो रही विसंगतियों के बारे में मुलाकात करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2023 में वन रैंक वन पेंशन रिविजन की घोषणा की गई थी, जिसमें कि नोशनल मैक्सिमम और स्केल ऑफ द रैंक एंड ग्रुप के आधार पर निर्धारण नहीं करने के कारण 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की पेंशन पुराने पेंशनरों से भी कम हो गई तथा 97% जवान जिसको वार का फायदा नहीं मिला है, जबकि कमीशन अधिकारी जो कि 3% हैं उनको 7,500 रुपये से 25,000 तक पेंशन में बढ़ोतरी की गई है तथा जवानों की मात्र 500 रुपये से 2,000 तक ही पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तथा सुबेदार जीसीओ रैंक की पेंशन पहले से भी कम कर दी गई है तथा मिलिट्री सर्विस पे में सरकार ने भेदभाव करके ऑफिसर रैंक की 15,500 तथा जवान जीसीओ को 5,200 रुपये निर्धारित किए, जबकि फीमेल नर्सों की MSP 10,500 निर्धारित करने के कारण जवान जीसीओ में काफ़ी उदासी एवं मायूसी है। इसी प्रकार डिसेबिलिटी पेंशन भी ऑफिसर रैंक की 75,000 रुपये तथा जीसीओ जवान की मात्र 9,000 रुपये निर्धारित की गई है तथा 2016 से पहले रिटायरमेंट होने वाले एक्स ग्रुप की 6,200 रुपये को पुराने के 3600 निर्धारित किया है, जो कि गलत है तथा 15 साल सेवा करने प्रमोशन नहीं मिलने के कारण प्रीमैच्योर रिटायरमेंट आने वाले जवानों को ORP का लाभ नहीं दिया गया है। सातवें वेतन आयोग में 2016 के बाद रिटायरमेंट आने वालों का पे मैट्रिक्स लेवल में वेतन निर्धारित कम होने के कारण उनको पुरानों से पेंशन कम मिल रही है तथा कुछ रैंक की पेंशन बढ़ने के बजाय कम हुई है। कारगिल युद्ध के बाद कमीशन अधिकारी वर्ग कर्नल रैंक तक प्रमोशन उनको अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि जवान सिपाही में भर्ती होता है तथा सिपाही रैंक में ही पेंशन आ जाता है। पूर्व में ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन कमीशन अधिकारी लेफ्टिनेंट कैप्टन की पेंशन से अधिक होती थी, लेकिन वर्तमान में ऑनरी रैंक की पेंशन कमीशन अधिकारियों से कम कर दी गई है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष सूबेदार गजानन यादव, महामंत्री रघुनंदन पालीवाल एवं कैप्टन काबुल सिंह और उसके अलावा काफ़ी यहाँ पे पूर्व सैनिक थे जिनका के नाम यहाँ पे लिखा गया है, ये मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात लोकसभा अध्यक्ष के सामने ओम प्रकाश बिरला जी ने पूर्व सैनिकों की बात बड़ी शालीनता से सुनी और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आप थोड़ा कीजिए इंतज़ार, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसको मैं सॉल्व करूँ परमिशन देते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व सैनिक वीरांगना है, वह विधवाओं के साथ OROP2 में कई विसंगतियां रही हैं। इसी संदर्भ में कोटा बूंदी के पूर्व सैनिक वीरांगना है आपके मार्फत महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं। इन विसंगतियों के बारे में चर्चा करके दूर करने की कृपा कीजिएगा। यहाँ पूर्व सैनिक वीरांगना है, बहुत संख्या में एकत्रित होकर ज्ञापन के रूप में आपसे निवेदन कर रहे हैं। ज्ञापन में विसंगतियों के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन किया हुआ है। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देकर पूर्ण करने की कृपा करेंगे। जय। जैसे विधवा पेंशन है, विधवा जवान की अधिकारी हो रही तो उसको बहुत बड़ा किया, उसके ऊपर एक MSP है, उसमें भी अफसर में जवानों जबकि सबसे ज्यादा लाइब्रेटी होती जवान और उनका उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये मोटी मोटी चीज है, पॉलिसी कुछ मतलब ये बात करना।